नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। टोक्यो ओलंपिक अपने आखिरी पड़ाव पर है। खेलों के इस महाकुंभ का आज 15वां दिन है। भारत के लिए दिन अहम होने वाला है। स्टार रेसलर बजरंग पूनिया ने आज अपने अभियान की शुरुआत की है। बजरंग पदक के दावेदार हैं। वो 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश कर रहे हैं। बजरंग पूनिया ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ईरान के पहलवान मोटाज श्रेका को शिकस्त दे दी है। बजरंग ने 2-1 से ये मुकाबला जीता है। उन्हें विनर बायफॉल घोषित किया गया। उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बजरंग शुरू से इस मैच में 0-1 से पिछड़ रहे थे। उन्होंने पहले पीरियड में डिफेंस खेल दिखाया। उनके खिलाफ पैसिव क्लॉक शुरू किया गया, लेकिन बजरंग घबराए नहीं। दूसरे पीरियड में भी वो सुरक्षात्मक थे, जबकि ईरान के मोटाजा लगातार अटैक कर रहे थे। हालांकि बजरंग भी उन्हें दाव लगाने का मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन जब दोबारा पेनल्टी अंक गंवाने से बचने के लिए 30 सेकंड का मौका दिया गया तो बजरंग को आक्रामक होना पड़ा। परिणाम ये रहा कि उनकी टांग पकड़कर फंसाने की कोशिश कर रहे मोटराज उल्टा उनकी ग्रिप में फंस गए। बजरंग ने इस मौके का पूरा लाभ उठाया और पहले 2 अंक पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने मोटराजा को पलटते हुए उसके कंधे जमीन पर लगाकर चित करते हुए मुकाबला ही खत्म कर दिया। यानी कि आज जो पूरी उम्मीदें बंधी हुई हैं वो बजरंग पूनिया से बंधी हुई हैं, क्योंकि वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और आज उनका एक और मैच होने जा रहा है। ऐसे उम्मीदें हैं कि आज भी मेडल मिल सकता है भारत को। आपको बता दूं कि कल भारत को 2 मेडल मिले हैं, एक भारतीय पुरुष हॉकी टीम में और दूसरा जो कि रवि दहिया ने जीता था। तो 2 मेडल के बाद आज तीसरे पर नजर बनी हुई है। टोक्यो ओलंपिक अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज 15वां दिन है। ऐसे में भारत के लिए भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। भारत की महिला हॉकी टीम का ओलंपिक में पहली बार पदक जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत को रियो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेट ब्रिटेन ने 4-3 से मात दे दी। भारत के लिए गुरजीत कौर ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए। गुरजीत के अलावा वंदना कटारिया ने 29वें मिनट में स्कोर किया। ग्रेट ब्रिटेन के लिए इलेना राय ने 16वें, सारा रॉबर्टसन ने 24वें और होली पियन वेब ने 35वें और ग्रेस बाल्डिसन ने 48वें मिनट में गोल दाग दिए। पुरुष टीम ने गुरुवार को कांस्य पदक के मैच में जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद ओलंपिक पदक हासिल कर इतिहास रच दिया था। भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद देश की खुशी दोहरी नहीं कर पाई और ब्रॉन्ज मेडल मैच में हार गई। फिर भी टीम की सराहना हो रही है। उसने खुद को पदक की रेस में शामिल किया। मौजूदा ओलंपिक में वो पहले ही 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर अविश्वसनीय प्रदर्शन कर चुकी थी। लेकिन भारतीय टीम के लिए मुकाबला इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पूल चरण में गत चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन ने 1-4 से हार झेलनी पड़ी थी। 7वें नंबर की टीम दुनिया के 4थे नंबर की ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ बिना किसी दबाव के सर्वश्रेष्ठ करने के लिए उतरी थी, पर नतीजा भारत की बेटियों के पक्ष में नहीं रहा। लेकिन पूरे भारत को अपनी बेटियों पर गर्व है। ब्रॉन्ज से चूकी है, लेकिन इतिहास जरूर रचा है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम नहीं कर पाई। ब्रिटेन ने मैच को 4-3 से अपने नाम कर लिया। इसके बावजूद महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट कर रही थी। ग्रुप स्टेज के आखिरी 2 मुकाबलों में भारत ने शानदार वापसी करते हुए अगले राउंड में जगह बनाई थी। इस उपलब्धि के लिए आम से लेकर खास लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। तमाम राजनेताओं ने ट्वीट कर भारतीय महिला हॉकी टीम का हौसला बढ़ाया है, हौसला अफजाई की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला टीम का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, मैच हारा लेकिन मन जीता। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली मां भारती की बेटियों का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के महिला खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ब्रिटेन की टीम बहुत कम अंतर से जीत पाई है। भारत की टीम ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। मैं हॉकी टीम में हरियाणा के सभी 9 खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा करता हूँ। वही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि महिला हॉकी टीम पर देश को गर्व है। हमारी लड़कियों ने कई शीशों की छतें तोड़ दी हैं। मुझे यकीन है कि अगले ओलंपिक में हमारा तिरंगा सबसे ऊपर होगा। यानी कि भले ही
महिलाओं की टीम हार गई हो, लेकिन जो इतिहास रचा है उसको लेकर देश को उन पर गर्व है और देश के तमाम जो बड़े राजनेता हैं वो लगातार हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हो, जिन्होंने 50 लाख की घोषणा की है कि पूरी टीम को 50 लाख रुपए देंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और गौमात्र योग आयोग ने प्रोजेक्ट बोल्ड पर काम कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य जनजातीय ग्रामीणों को स्वरोजगार का बढ़ावा देना है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य पर काम किया जा रहा है। इसी के तहत 28 जुलाई को बीएसएफ के जवानों की मदद से राजस्थान के जैसलमेर में 1000 बांस के पौधे लगाए गए। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के साथ ही केवीआईसी ने खादी बांस महोत्सव की पहल शुरू कर दी है। केवीआईसी इस साल अगस्त तक राजस्थान के साथ साथ गुजरात के अहमदाबाद जिले के गांव धौलेला और लेह लद्दाख क्षेत्र में भी इस परियोजना को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। 21 अगस्त से पहले कुल 15,000 बांस के पौधे लगाए जाएंगे। इसमें बम्बूसा टूडला और बम्बूसा पॉलीफोर्मा जैसे बांस की प्रजाति को महत्व दिया जा रहा है, जिसे विशेष रूप से असम से मंगाया गया है। तो रेगिस्तान को भी हरा भरा करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसी की तर्ज पर ये जो खास प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इस परियोजना का उद्देश्य जनजातीय ग्रामीणों को स्वरोजगार से बढ़ाना है, यानी कि स्वरोजगार से जोड़ना है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य पर लगातार काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में 28 जुलाई को बीएसएफ के जवानों की मदद से राजस्थान के जैसलमेर में, जो कि पूरी तरह से रेगिस्तान है, वहां पर 1000 बांस के पौधे लगाए गए हैं। आपको बता दें इस साल हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे में अमृत महोत्सव मनाने के साथ ही केवीआईसी ने खादी बांस महोत्सव की पहल शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत जुलाई से ही हो गई है। केवीआईसी इस साल अगस्त तक राजस्थान के साथ साथ गुजरात के अहमदाबाद जिले के गांव और लेह लद्दाख क्षेत्र में भी इस परियोजना को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। टारगेट है कि 21 अगस्त से पहले कुल 15,000 बांस के पौधे लगाए जाएं। इसमें बम्बूसा टूडला और बम्बूसा पॉलीफोर्मा जैसे बांस की प्रजातियों को महत्व दिया जा रहा है, जिसे विशेष रूप पर असम से मंगवाया गया है, ताकि रेगिस्तान भी हरा भरा नजर आए, साथ ही साथ जो वहां के ग्रामीण हैं उनको रोजगार से जोड़ा जा सके। भारत सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच वैक्सीन उत्पादन और वितरण का नया लक्ष्य रखा है। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने इस लक्ष्य को सांसदों को भी भेजा है। सरकार के दिसंबर तक जारी किए गए नए लक्ष्यों में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड का ही जिक्र है। इससे साफ होता है कि मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ लक्ष्य को कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ ही जंग जारी रखेगी। सरकार के मुताबिक कोवैक्सीन अगस्त में 2.65 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन करेंगे, जबकि इस दौरान कोविशील्ड की 23 करोड़ डोज बनने की उम्मीद है। यानी सरकार को अगस्त में 25.65 करोड़ वैक्सीन उत्पादन की उम्मीद है। सितंबर की बात करें तो सरकार को उम्मीद है कि कोवैक्सीन की 3.15 करोड़ डोज तैयार होंगी, जबकि सीरम इस दौरान कोविशील्ड की 23 करोड़ डोज का उत्पादन करेगा। इस तरह से सितंबर में 26.15 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन हो जाएगा। वहीं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करें तो कोवैक्सीन की हर महीने 5.25 करोड़ डोज तैयार होंगी, जबकि कोविशील्ड की हर महीने 23 करोड़ डोज तैयार की जाएंगी। आपको बता दें कि कई राज्यों से वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार से लगातार मुलाकात होती है। केंद्र सरकार को पत्र लिखकर भेजे जाते हैं राज्य सरकार द्वारा। इसके अलावा जो थर्ड वेव को लेकर तैयारियां हैं उसके इतर ये सारी तैयारियां की जा रही हैं कि आने वाले समय में कितनी डोज तैयार करनी है, चाहे वो कोवैक्सीन की हो चाहे वो कोविशील्ड की हो। फिलहाल यही दो नाम सामने आए हैं और इसको लेकर अब जो वैक्सीन की शॉर्टेज है उसको लेकर अब तैयारियां कर ली गई हैं। अभियान में तेजी लाने के लिए सरकार ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दिसंबर तक करोड़ों डोज तैयार कर ली जाएंगी, ताकि हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन की दोनों डोज पहुंच सके और अगर थर्ड वेव आती है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार रहें।
भारत ने गुरुवार को इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर पर एक बयान को खारिज कर दिया और उसे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियों के लिए अपने मंच का फायदा उठाने की अनुमति देने से परहेज करने के लिए कहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की यह कड़ी टिप्पणी जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस लिए जाने की दूसरी वर्षगांठ पर OIC के महासचिव के जारी बयान के जवाब में आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम OIC के महासचिव के जारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए एक और अस्वीकार्य रेफरेंस को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। अरिंदम बागची OIC के बयान पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, OIC का भारत का अभिन्न अंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित मामलों में कोई अधिकार नहीं है। हम फिर से कहते हैं कि OIC महासचिव को आंतरिक मामलों पर टिप्पणी के लिए अपने मंच का फायदा उठाने की अनुमति देने से बचना चाहिए। मालूम हो कि 5 अगस्त 2019 में भारत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेते हुए आर्टिकल 370 को हटा दिया था, जिसके कल 2 साल पूरे हो गए। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। गुरुवार को इस फैसले के 2 साल पूरे हुए हैं, लेकिन ऐसे में ये बयान सामने आए तो ऐसे में सरकार ने डोटू कह दिया है कि ऐसा वो करने की कोशिश ना करें। OIC के बयान को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपको बता दें कि 2 साल पहले ही वहां से जो विशेष दर्जा था वो खत्म किया गया है और आर्टिकल 370 वहां से हटाई गई है। पाक अधिकृत कश्मीर में हुए चुनाव पर विदेश मंत्रालय की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है। उन्होंने साफ कहा है कि गैर कानूनी तरीके से वहां पर चुनाव कराए गए हैं, जिसे वहां की जनता ने ही सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया कि पाकिस्तान भारत के उन तमाम इलाकों को तुरंत खाली करे और वहां पर जारी मानव अधिकारियों को जो हनन कर रहे हैं उसको रोका जाए। जारी बयान में यह भी कहा गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर में कराए गए चुनाव गैर कानूनी है और पाकिस्तान सिर्फ उस सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने इस इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। भारत की तरफ से पाक अधिकारियों को इस बारे में विरोध जता दिया गया है। जोर देकर कहा गया कि ये चुनाव इस सच्चाई को नहीं छिपा सकते कि पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है, वहां पर कैसे मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कड़ा संदेश देते हुए पाकिस्तान को बताया गया कि POK पर उनका कोई अधिकार नहीं है और उन्हें उन तमाम इलाकों को तुरंत खाली कर देना चाहिए जहां पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाया गया है। आपको बता दें कि जिस चुनाव को लेकर भारत ने तल्ख टिप्पणी की थी उसमें इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है, लेकिन उस चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली के आरोप लगे हैं। ऐसे में POK में उस चुनाव को लेकर विवाद है, तो वहीं भारत ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। तो चुनाव गैर कानूनी तरीके से कराया गया है और वहीं भारत की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है जितने भी गैर कानूनी तरीके से जिन इलाकों पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है उन्हें जल्द से जल्द खाली करें, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इमरान खान की पार्टी ने यहां सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है। अगस्त में कोरोना के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 44,643 नए कोरोना केसेज आए हैं और 464 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 41,096 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 3,043 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। इसके पहले गुरुवार को देश में 42,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए थे और 533 संक्रमितों की मौत हो गई थी, यानी कि आज पिछले दिन से करीब 4% ज्यादा कोरोना केस आए हैं। अगस्त में कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बस एक दिन 2 अगस्त को मामले घटे थे। ऐसे में चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से थर्ड वेव को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, लेकिन सेकेंड वेव एक बार फिर से उफनती हुई नजर आ रही है, तो इससे लोगों में डर है। जो डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो डरे हुए हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, लापरवाही को बर्दाश्त ना करने की जरूरत है, क्योंकि लापरवाही जितनी ज्यादा की जाएगी उतनी ज्यादा ये संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में सभी राज्यों ने अपने यहां से पाबंदियां हटा दी हैं, लेकिन फिर भी एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारियां समझनी है, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना है। बात अगर केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की जाए, जहां पर अब भी मामले सामने आ रहे हैं सबसे ज्यादा, तो वहां पर लोगों को और ज्यादा सोचने की जरूरत है और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वहां की सरकार लगातार फैसला ले रही है। अगर केरल की बात की जाए तो केरल में वीकेंड लॉकडाउन सख्ती से पालन करने की बात कही गई थी, तो ऐसे में अब लगातार ये कहा जा रहा है कि केरल में आंकड़े
कम हो सकते हैं, लेकिन अभी भी मामले वहां पर सामने आ रहे हैं क्योंकि लोग अभी भी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में फैल रहा है। ऐसे में बुधवार को दुनिया में कोरोना के कुल मामले 20 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना से रिकवर करने वालों की संख्या भी 18.09 करोड़ पहुंच गई है। वहीं चीन के 15 प्रांतों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के अब तक 500 मामले आ चुके हैं। वहीं संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चीन ने वुहान और झांगझियोई जे शहर को सील कर दिया है। चीन ने इसके साथ ही नई ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। वाटोमीटर के मुताबिक दुनिया में बीते 24 घंटे में 6.83 लाख नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 4.39 लाख लोगों ने इस बीमारी को मात भी दी है। 10,117 लोगों की इससे मौत हुई है। बुधवार को सबसे ज्यादा 1.12 लाख केस अमेरिका में दर्ज किए गए। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा 1,727 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। यानी ये कहा जा सकता है कि भारत में मिला डेल्टा वेरियंट अब नए नए चेहरे लेकर विदेशों में पहुंच चुका है और यहाँ पर भी कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर अमेरिका, इंडोनेशिया, चाइना सब में देखा जा रहा है। चीन के 15 प्रांतों में डेल्टा वेरिएंट फैल गया है। ऐसे में चीन ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं और करीब जो संख्या है कोरोना संक्रमितों की दुनिया भर में वो 20 करोड़ से ज्यादा हो गई है। लाखों लोगों की जान चली गई है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि बीते 24 घंटे में कई लाख लोग जो हैं वो संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट नए नए स्वरूपों के साथ अलग अलग देशों में दिखाई दे रहा है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म किए जाने के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर 5 अगस्त को पाकिस्तान ने फिर से शोक मनाया। इमरान खान सरकार ने गुरुवार की सुबह 9 बजे देश भर में शोक सभा का ऐलान किया। इस दौरान पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रैफिक रुक गया और 1 मिनट का मौन रखा गया है। हालांकि ये जो नाटक है पाकिस्तान का वो पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब 1 साल पूरा हुआ था तभी यही नाटक पाकिस्तान का देखा गया था। इस प्रोग्राम का नाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर रखा गया है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख रशीद अहमद ने कहा है कि उनकी सरकार और पाकिस्तान के लोग कश्मीर को लेकर तब तक प्रतिबद्ध रहेंगे जब तक UNSC के तहत कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दे दिया जाता। शेख रशीद पाकिस्तान के वही मंत्री हैं जिन्होंने एक बार भारत पर पाव भर के परमाणु बम से हमला कर देने की धमकी दे दी थी। बीते साल भी पाकिस्तान ने काला दिवस मनाया था। अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने का 1 साल पूरा होने पर पाकिस्तान ने यह दिन मनाया था और उसने टेलीविजन से लेकर अखबार तक में काले रंग को प्रमुखता दे दी थी। सभी पाकिस्तानी चैनलों को इस मुद्दे पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्देश भी दिया गया था और साल भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन भारत सरकार लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि आर्टिकल 370 खत्म किया गया है तो जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पर अमन शांति जो है वो लौटती हुई नजर आ रही है। चैन अमन उसकी आबो हवा में जम्मू कश्मीर में नजर आता है। तो ऐसे में पाकिस्तान चाहे जितना भी बरगलाने की कोशिश करे उसके चंगुल में कोई आने वाला है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हर साल यही करता है, 2 साल से लगातार यही करता हुआ नजर आ रहा है। जब 1 साल हुआ था तो तब काला दिवस मनाया था, जब 2 साल हुए तो इमरान खान ने मौन धारण कर लिया, ट्रैफिक रुकवा दिया, टीवी चैनल्स अखबारों तक में ये खबरें छपवा दी हैं। ब्रिटेन बहुत जल्द 16 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद के मुताबिक यूके 16 और 17 वर्ष के स्वास्थ्य किशोरों को जल्द से जल्द COVID-19 टीके की पेशकश शुरू करने के लिए तैयार है। सिर्फ राष्ट्रीय वैक्सीन विशेषज्ञों की तरफ से अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। अगर जल्द ही इस पर कोई फैसला लिया जाता है तो करीब 14 लाख टीनेजर्स को इसका फायदा मिल सकेगा, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वैक्सीन लगना कब से शुरू होगा। इस समय केवल 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं या जिन्हें COVID-19 होने का ज्यादा खतरा है। लेकिन अमेरिका, कनाडा और फ्रांस सहित कई देश नियमित रूप से 12 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। वहीं कुछ खबरों की माने तो व्हाइट हॉल से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ऐसी उम्मीद है कि इंग्लैंड में मंत्री संयुक्त समिति की सलाह को स्वीकार कर ले
जिसके बाद इसकी घोषणा होगी। ब्रिटेन की टीकाकरण और प्रतिरक्षा संयुक्त समिति ने एक प्रस्ताव रखते हुए कहा है कि 16 से 17 साल के स्वस्थ किशोरों को फाइजर या फिर बायोनटेक वैक्सीन का पहला शॉट दिए जाने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। किशोरों के टीकाकरण को लेकर जावेद ने अपने एक बयान में कहा है कि GCVI के रखे गए प्रस्ताव के बाद और अधिक युवाओं के टीकाकरण का रास्ता साफ हो गया है। अब 16 और 17 साल के किशोर टीकाकरण का लाभ ले सकते हैं। मैंने विशेषज्ञों की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए NHSA लोगों को टीकाकरण करने के लिए तैयारी करने के लिए कह दिया है। यानी कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में जल्द ही 16 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जो बूस्टर डोज है वो उन्हें दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सभी देश जल्दी से जल्दी अपनी आबादी को वैक्सीनेट करना चाहते हैं, इसलिए कोरोना वैक्सीन की मांग भी बढ़ गई है। हालांकि वैक्सीन की डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम हो रही है, इसलिए अब चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने की तैयारी में जुट गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को कहा है कि उस महीने के आखिर तक दुनिया के अलग अलग देशों तक 2 अरब वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिनपिंग ने इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन समर्थित को वैक्सीन पहले के लिए $10 करोड़ का दान देने की भी पेशकश की है। इस प्रोग्राम के तहत दुनिया के गरीब देशों को वैक्सीन के डोज सप्लाई किए जाते हैं। हालांकि जिनपिंग ने यह नहीं बताया कि चीन इसमें से कितनी वैक्सीन बेचेगा और कितनी गरीब देशों को मुफ्त में देगा। वैक्सीन की सप्लाई किस हिसाब से होगी इसका खुलासा भी नहीं किया गया। बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने जुलाई के अंत में अपने एक बयान में कहा था कि चीन ने जरूरतमंद देशों में 70 करोड़ से ज्यादा टीकों की आपूर्ति की है और आगे भी करेगा। तो दुनिया भर में वैक्सीन सप्लाई को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। इसमें सबसे पहला नाम जो है वो चीन का सामने आ रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया है कि 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन वो गरीब देशों में बांटेगा, साथ ही साथ अपने देश के लिए भी वैक्सीन रखी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी देश हैं वो अपने पूरे देश की आबादी को वैक्सीनेट करना चाहते हैं, ताकि जो भी थर्ड वेव या फोर्थ वेव जो भी आ रही है जिस भी देश में, उसे रोका जा सके और उसका असर ज़्यादा जनता पर ना पड़े। इसी कड़ी में चीन सबसे आगे है। चीन ने कहा है कि वो अपना भी भला करेगा और दुनिया का भी भला करेगा, लेकिन ये भलाई कितनी अच्छी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दुनिया भर में वैक्सीन सप्लाई करने की तैयारी चीन की है। बताया जा रहा है कि चीन 10 करोड़ वैक्सीन गरीब देशों में बांटेगा। बांग्लादेश में पुलिस ने एक शिक्षक के पास से भगवान विष्णु की काले पत्थर की एक मूर्ति बरामद की, जो कि 1000 साल से ज्यादा प्राचीन मानी जा रही है। ये जानकारी गुरुवार को मीडिया की खबर से मिली है। समाचार एजेंसी ने बताया कि पुलिस ने क्यूमिला जिले के बोरो उगाली गांव से मूर्ति बरामद की है। काले पत्थर की मूर्ति की ऊंचाई करीब 23 इंच और चौड़ी 9.5 इंच है। इसका वजन करीब 12 किलोग्राम है। दाऊकंडी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी नजरुल इस्लाम ने कहा, अबू यूसुफ नाम के एक शिक्षक को 1.5 महीने पहले मूर्ति मिली थी, लेकिन उसने हमें सूचित नहीं किया। गुप्त सूचना पर हमने इसे उसके घर से बरामद किया। पुलिस ने जब यूसुफ से इस मूर्ति को लेकर पूछताछ की तो उसने कहा, हमें मूर्ति 20 से 22 दिन पहले तालाब की खुदाई करते समय दिखी थी। उसने बताया कि काम में काफी व्यस्त होने की वजह से वो मूर्ति की सूचना पुलिस को नहीं दे सका। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि यूसुफ की बात सच है या नहीं, उसे मूर्ति तालाब की खुदाई में मिली या फिर कहीं और से मिली है। अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे तालिबान ने भारत से दोस्ती के संकेत दिए हैं। तालिबान ने कहा है कि वो भारत को पाकिस्तान की नजरों से नहीं देखता। अफगानिस्तान में भारत सहित किसी भी देश के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को कोई खतरा नहीं है। हालांकि इसके लिए तालिबान ने एक शर्त भी रखी है। आतंकी संगठन का कहना है कि अगर भारत अशरफ गनी सरकार की ओर से की जा रही गोलीबारी का समर्थन बंद कर देता है तो उसके प्रोजेक्ट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये पहली बार है जब तालिबान ने कथित तौर पर भारत से समझौते की बात कही है। एक समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि तालिबान प्रतिनिधिमंडल ईरान, रूस और चीन जैसे देशों से बातचीत कर रहा है और कुछ हद तक इसी तरह के प्रस्ताव सौंप रहा है जिस तरह के भारत को सौंपे गए हैं। भारत में मौजूदा समय में कोरोना वायरस के मामले कम आ रहे हैं।
ऐसे में भारत के नागरिक जल्द ब्रिटेन की यात्रा कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए ब्रिटेन ने यूएई, भारत और अन्य को रेड लिस्ट से हटाकर एम्बर लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया है, जिसका मतलब है कि कोविड-19 के खिलाफ फुली वैक्सीनेट विदेशी पर्यटकों को अब 10 दिनों का होटल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। इस नए नियम की घोषणा करते हुए परिवहन विभाग ने कहा है कि ये परिवर्तन रविवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे से लागू किया जाएगा। यूपी के परिवहन सचिव ने अपने एक ट्वीट में कहा, यूएई, कतर, भारत और बहरीन को रेड लिस्ट से एम्बर लिस्ट में ले जाया जाएगा। सभी परिवर्तन 8 अगस्त को सुबह 4 बजे से प्रभावी होंगे। हालांकि एम्बर सूची में आए देशों के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से 2 दिन पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा, जो कि अनिवार्य है। साथ ही यूके पहुंचने पर 10 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन होना होगा और दूसरे और 8वें दिन कोविड सेल्फ टेस्ट करने होंगे। इसके बाद ही आप घूम फिर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनोनाम ने सितंबर के अंत तक कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज देने पर रोक लगाने की अपील की है। गेब्रेसस ने बुधवार को कहा है कि दुनिया के हर देश की कम से कम 10% आबादी का टीकाकरण पूरा हो सके, उसके लिए फिलहाल बूस्टर डोज पर रोक लगाना जरूरी है। WHO का कहना है कि दुनिया के अमीर देशों और गरीब देशों में वैक्सीनेशन के प्रशीतन में जमीन आसमान का एक अंतर है। इस अंतर को भरने के लिए यह फैसला जरूरी है। WHO प्रमुख टेड्रोस एडहेनोम गेब्रेसस ने कहा है कि मैं इन देशों की चिंता को समझता हूं जो डेल्टा वेरियंट से अपने नागरिकों के बचाव के लिए बूस्टर डोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से चलने नहीं दे सकते। जो देश पहले से ही वैक्सीन की ग्लोबल सप्लाई का ज्यादातर हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है, वो अब इसका और इस्तेमाल करे, ये स्वीकार करना गलत हो सकता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।